एंड पेपरों के बीच जो है हमारा एक रामायण पाठ हुआ था हमारे कॉलेज के अंदर 2 दिनों का, उसका जो है ब्लॉग में मैंने शूट किया है। एंड लाइक काफी मेरे यार दोस्त है ना कह रहे हैं, सीनियर्स भी कह रहे हैं यार तेरा ब्लॉग कब आएगा। हेलो एवरीवन गाइस, सो दिस इज योर वैद्य ध्रुव बंसल एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट जीएससी पटियाला एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग विच इज स्टडी विद मी। लाइक यार पता क्या है, अब ना 10 दिन रह गए हमारे एग्जाम को, लिटरली आज जो है ना आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि यार 10 दिन बाद ना तुम्हारे पेपर एग्जाम है। एंड लाइक बहुत कम यार प्रेपरेशन है, 10 दिन के अंदर जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ कर देना है। सो आज जो है ना मेरा एक्चुअली टेस्ट भी चल रहे हैं साथ ही साथ, तो लाइक अब जो है मेरा उसका है गया चरक संहिता का जो पहला अध्याय है ना दीर्घ जीवित अध्याय, उसका टेस्ट है भाई पूरे का और पेपर में भी वही आना है सारा, तो उसके सारे श्लोक करने हैं। श्लोक कैसे करेंगे तो भाई देखो पहले पता क्या है, हम ना एक पेपर के ऊपर सारे श्लोक लिख लेंगे कि भाई ये वाले श्लोक हैं एंड देन जो है ना उनको डेली पढ़ेंगे, 10 दिन में वो तो याद हो जाएंगे ये तो मुझे पता है। ठीक है बाकी चलो देखते हैं हाउ इट गोस। एंड वन मोर थिंग यार, मेरी ना सीनियर्स के साथ जो है ना एक सीनियर है तो उनके साथ जो है मेरी मीटिंग है गूगल मीट के ऊपर। एक्चुअली वो ना मुझे हेल्प करते हैं काफी ज्यादा, वो लाइक वो ना है इंटर्नशिप वाले तो वो ना मुझे क्लिनिकल एस्पेक्ट सिखाते रहते हैं। लाइक जैसे देखो मैंने ना वो पता है उन्होंने मुझे कहा कि यार चलो हम हार्ट डिस्कस करेंगे एंड हार्ट डिस्कस करने के बाद ना उनका क्या है उनका अपना ना जैसे नीट यूजी होता है वैसे नीट पीजी होता है, तो पीजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनको ऐसा होता है ना कि भी रिवीजन हो जाए बाकी सभी टॉपिक्स की। तो उन्होंने क्या किया मुझे कहा कि भाई तू ना जो भी एनाटॉमी पढ़ता है ना वो सारा मतलब हम डिस्कस कर लिया करेंगे, तो लाइक हम मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं जो उन्हें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट उन्हें रिवाइज करवा देता हूँ एंड वो जो है मुझे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बताते हैं। एंड लाइक क्योंकि यार इंटर्नशिप वाले हैं उनकी तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस काफी अच्छी होती हैं, तो वो मुझे ना क्लिनिकल एस्पेक्ट सिखाते हैं और मुझे काफी अच्छा फायदा होता है। एंड लाइक आज भी जो है वेडनेसडे है एंड लाइक जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ उस दिन वेडनेसडे है एंड लाइक यार लाइक मजा आता है यार उनके साथ क्लास लगाने में ना, तो आज भी उनके साथ क्लास है मेरी, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ वन मोर थिंग इज आपको भी कहूंगा कि यार अपने ना सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करते रहिए, कोई भी आपको ना खुद आके नहीं कहेगा कि यार मेरे से ज्ञान ले लो। ठीक है तो आपको खुद जाना पड़ता है भाई सीनियर के बाद, उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं। ठीक है मतलब लाइक काइंड ऑफ यार उनके साथ अगर आप ना उनका ज्ञान लोगे ना वो एक्सपीरियंस्ड है आपसे बड़े हैं, ऑब्वियसली बात है उनको आपसे ज्यादा ही पता होगा, तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे है ना हमेशा फालतू की बातें नहीं करनी होती, कभी कभार काम की बात कर लिया करते हैं। लाइक ना उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनसे पढ़िए उनसे समझिए कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है एंड मैं तो अपने जूनियर्स को भी कहूंगा कि यार ट्राई टू मतलब लाइक ना कंसल्ट विद मी है ना, इससे क्या होगा आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा है ना, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। कम मर्जी आप जो है गूगल मीट के लिए मुझे कहिए, कम मर्जी आप जो है मुझे पढ़ाने के लिए कहिए है ना। आई नो कि शायद जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ अभी तक मेरे जूनियर्स नहीं आए हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में जो भी ये ब्लॉग देखेगा तो सभी जूनियर्स को मेरी यही सलाह होगी कि भाई जाके ना अपने सीनियर्स को पकड़ो उनसे समझो, आपको खुद नहीं कोई भी समझाने आएगा। ठीक है तो चलो बातें तो होती रहेंगी, अब ना चरक के नोट्स बना लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग नोट्स एंड मतलब यार लिख के करना प्रैक्टिस, पता क्या है एकदम ना हम एमसीक्यू देकर आते हैं यार नीट में ना हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं जिससे जो है हमारी लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही खत्म हो जाती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सभी को रिकमेंड करूंगा है ना, जिनकी तो लिखने की प्रैक्टिस अच्छी है वो तो बहुत बढ़िया, जैसे मेरे जैसे हैं जिनकी भाई लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं अच्छी, जिस कारण से जो है मेरे नंबर मुझे आता होता है ना मुझे आता होता है काफी अच्छे तरीके से, तो लेकिन फिर भी ना लिखने के कारण से जो है ना कि भाई लिखना नहीं आता, लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई है हमारी तो उस कारण से नंबर कट जाते हैं। तो मैं आपको भी कहूंगा कि भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सो मैं भी कहूंगा कि भाई मैं भी लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो गाइज आई जस्ट गॉट रेडी टू गो टू द कॉलेज एंड लाइक आज जो है चरक का टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स टू डू,
तो भाई जल्दी जल्दी आचार्य का टेस्ट दे के फ्री होंगे। और 9 दिन बचे हैं भाई एग्जाम को, 9 दिन। कैन यू इमेजिन, 9 दिन है और इतना सारा सिलेबस पड़ा है, एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो आके करेंगे आज, ठीक है, काफ़ी सारा सिलेबस, एंड लेट्स सी क्या होता है भाई। सो या लेट्स गो। एंड मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हुई है अभी, एंड लाइक चलो चलते हैं। Yeah, you already know what it is. Okay. मैं ढूंढू तुझे हर जगह हर जगह, कहाँ छुप के तू बैठी जरा दे बता। आई बर So guys, I am back from my college and like it's 3 o'clock. तो यार कल जो है अपना रचना शरीर का टेस्ट है, लाइक इसका गर्भाव क्रांति है एक चैप्टर, तो जिसको हम मॉडर्न में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, एंड लाइक उसका टेस्ट देना है हमने, लाइक एंड यार काफ़ी कुछ पढ़ने वाला रहता है मेरा उसका, लाइक फर्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा, क्योंकि यार पढ़ाया ही अभी 1 हफ्ते पहले ख़त्म हुआ है, एंड अभी मैंने पढ़ना है, तो एक ही दिन के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। कुछ ज़्यादा पेज नहीं है, सिर्फ 70 पेजेस का एक चैप्टर है, जिसमें से मैंने 20 पेजेस तो कल ही कर दिए थे पूरे सुबह सुबह उठ के, एंड लाइक बाकी के चैप्टर जो है मैं आज ख़त्म कर दूंगा। बस एक दिक्कत हो जाएगी कि श्लोक जो है ना उसके काफ़ी सारे हैं, तो एकदम कैसे याद करेंगे, तो चलो देखते हैं, ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा किया है कि एक नोट्स बना लिए श्लोकों के, कि भाई ये वाला श्लोक याद करना है, तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो एटलीस्ट हम पेपर में तो लिख ही आएंगे। एंड 15 नंबर का ही टेस्ट है एक्चुअली। पता क्या है, जो नया सिलेबस है ना NCERT का, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स ट्राई कर रहे हैं कि भाई टेस्ट लिया जाए, तो वो टेस्ट देने के चक्कर में जो है हमारी प्रेपरेशन भी हो रही है, क्योंकि वही देखो तो मैं कहा है ना, जस्ट 8 दिन, मतलब कि सिर्फ 9 दिन बचे हैं हमारे पेपर्स को, एंड लाइक यार पेपर आ गए तो पूरे 1.5 शीट पहले तो टेस्ट किया गई। आज देख लो काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनिंग हो रही है, एंड बहुत यार आज जाने का मन नहीं किया कॉलेज, तो आई थॉट कि चलो छोड़ो नहीं जाते, एंड देखो भाई बारिश, एंड आज चलो ये उठाते हैं, कमरे के दर्शन करवाते हैं, चलो अंदर से देखो। सो वेरी ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है आज। वैसे जाने का तो मेरा मन था कॉलेज, मैं रेडी भी हुआ हूँ, लेकिन यार टीचर से कंसल्ट किया तो वो कहते हैं यार जब आ ही नहीं रहे कोई बच्चे तो छुट्टी कर लो, है ना, तो छुट्टी कर ली, एंड चलो अब पढ़ लेते हैं भाई, है ना, वेस्ट नहीं करना टाइम, मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम का मज़ा उठाना है हमने, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्क। तो आज जो अभी अपना अष्टांग का चौथा चैप्टर ख़त्म कर लेना है, हमने चौथा चैप्टर का टारगेट रखा है, चौथा चैप्टर ख़त्म करने के साथ ही जो है हमारा सिलेबस काफ़ी हो जाएगा अष्टांग का, अष्टांग के पेपर कर लेंगे भाई। चलो अभी जो है अराउंड 8:28 हुए हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वर्क टुडे। एंड सोचा कि चलो आज अपने बालकनी में बैठते हैं एंड पढ़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं अष्टांग हृदय अपना फोर्थ चैप्टर, और मस्त मस्त मौसम का जो है मज़ा लेते हैं, एंड बहुत ही अच्छा सीन है यार गाइस हमारा तिरंगा।
सो गाइस अब जो है 12:15 बज चुके हैं एंड लाइक मैं 9 बजे शुरू किया था एंड अब जो है 3 घंटे हो चुके हैं। हाँ, बीच में आधे घंटे की ब्रेक ली थी, तो अब नाश्ता का जो है 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है भाई, वो भी वेगों के बारे में था। एंड चलो अब चलते हैं, टेस्ट दे आते हैं वही कॉलेज के जाकर, है ना। एक अपना रचना शरीफ का जो टेस्ट था ना, गर्भावक्रांति वाला, वो टेस्ट दे आते हैं, देन जो है फिर आएंगे घर पर, फिर मजे करेंगे। तो गाइज आई एम बैक फ्रॉम कॉलेज एंड यार आज टेस्ट देंगे ना, एक बात तो पता लग गई कि यार अगर एक वर्ड भी आता हो ना तो यू कैन राइट 2 पेजेस ऑफ दैट, ठीक है। चलो यार लाइक देखो, 2 पेजेस सिर्फ, 2 पेज भराया मैं एक वर्ड से, ठीक है। आता बहुत ज़्यादा नहीं था यार एक्चुअली, पता क्या है, देखो चैप्टर था गर्भाव क्रांति, तो गर्भाव क्रांति चैप्टर के साथ यार इनजस्टिस हुआ मुझे लगता है, क्योंकि यार वो इतना अच्छा और इतना प्यारा ना एम्ब्रियोलॉजी है और इतनी अच्छी चैप्टर है ना, इतना नॉलेज वाला चैप्टर है, तो मुझे लगता था कि यार उसको कम से कम 3 से 4 दिन देने चाहिए, है ना, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो उससे पता क्या होता, लाइक काफ़ी जो है ना वो होता, मतलब कह सकते कि यार प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी होती है हमारी और हमें नॉलेज काफ़ी अच्छी आती है। पर चलो कोई बात नहीं, हमने जो है अपना बेस्ट दिया, फिर भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है, नॉलेज के लिए बाद में भी, क्योंकि यार फाइनल भी तो देने हैं अभी, अभी ये तो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं। एंड लाइक चलो अब जो है हमारा जो गर्भाव क्रांति का रचना शरीर का जो भी था वो खत्म हुआ टेंशन से, अब है अष्टांग का, पदार्थ के 2 और 1 संस्कृत का, तीनों ही 3 दिन में इकट्ठी है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को इकट्ठी हैं, तो वो चलो जो है 4 टेस्ट 3 दिन के अंदर हैं और हमारे पास आज है, मैं जिस दिन अब टेस्ट दे रहा हूँ और ये शूट कर रहा हूँ तो ये जो है फ्राइडे, आज फ्राइडे का आधा दिन, सैटरडे संडे और मंडे, है ना, मतलब कल को भी कॉलेज में निकल जाएगा, मंडे को भी कॉलेज में निकल जाएगा आधा आधा दिन, तो कह सकते हो कि यार इन टोटल हमारे पास 2.5 दिन है, ठीक है। तो 2.5 दिन के अंदर हमने है ना 4 चैप्टर करने हैं प्रिपेयर, ताकि हम अच्छे से टेस्ट दे सकें, है ना, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, जो मैं सुबह करके गया था ना, अष्टांग करके गया था मैं 4th चैप्टर, उसके मैंने ना बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, अब जो है नोट्स बनाएंगे हम उसके, ठीक है, देन वी गोना बी डूइंग थोड़ा बहुत जो है अष्टांग का 5th चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आज मेरी जो है ना सीनियर के साथ फिर से इंटरेक्शन है, क्लास है, ठीक है, टॉपिक जो है वो मेरा है CVSE यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आज वो मुझे पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि यार मुझे थोड़ा कम पढ़ाया मैंने, तो वो मुझे पढ़ाएंगे, सो देखते हैं चलो हाउ इट गोस। तो गाइस आज मम्मी घर पर नहीं थी एंड काफी भूख लगी थी, तो आई थॉट कि चलो कुछ बनाते हैं, सो आई डिसाइडेड टू मेक सम पोहास, सो लेट्स बिगिन विद द पोहा। तो पहले तो निकालते हैं पोहा, कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई पोहा, पोहा ये रहा पोहा, अपन को मिला पोहा, ये अपना कड़ी पत्ता प्याज, बस बहुत है। तो भैया फूड ब्लॉगिंग तो नहीं आती लेकिन खाना बनाना जरूर आता है अच्छे से, तो देख लो भाई। वन थिंग इज इट इज इट बिकम वेरी इजी कि अगर आप घर पर रहते तो ऐसी कुछ जो मशीन है वो यूज करने का थोड़ा मौका मिल जाता है, अगर आप हॉस्टल में रहते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई है ना हर एक सामान लेकर रखना लेकर, तो चलो पर कई चीज़ें ऐसी हैं भाई मैं हॉस्टल वाली मिस करता हूँ, है ना। चलो जनरेटर शुरू करते हैं, अब जो है थोड़ा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और तो चलो तेल डाल देते हैं, पता चल ये देख कर देखना पक्का मेरे दोस्त कहेंगे अभी मुझे, हमें तो खिलाता नहीं, अकेला अकेला खाने का वीडियो बनाने का क्या फायदा।
तो अपने कांदे पोहे रेडी हो गए, खा के देखते हैं कैसे बने। चलो देखते पहले। मतलब एक नंबर है, थोड़ा नमक तेज है बट बाकी लिटरली काफी सही है। दोस्त पक्का कहने वाले भाई कि साले अकेला अकेला खा गया, बट एंजॉय करी। तो गाइस एग्जाम को जो है 5 दिन पड़े हैं और अभी तक हमें डेट शीट नहीं मिली है। लाइक हमें ये भी नहीं पता कि भाई पहला एग्जाम किसका है। एंड 1 अक्टूबर को बस टीचर ने बताया, ये बता दिया कि भाई 1 अक्टूबर से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट है, लगातार एग्जाम होने हैं, है ना। हमें बस ये नहीं बताया कि भाई डेट शीट क्या है, पहला एग्जाम किसका होगा। तो हम तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेबस पता है हमें, लेकिन यार ये नहीं पता भाई अभी पहला पेपर किसका होगा। तो उसकी तैयारी अभी करी जा रहे हैं, देखी जाएगी जिसका भी होगा। तो गाइज आज जो है हमारे सिर्फ 3 दिन रह गए एग्जाम को, एंड अब जो है शाम हो चुकी है। मुझे जो है ना, कल हम गए थे कॉलेज, ठीक है, तो कल तो हमें कुछ नहीं पता लगा भी एग्जाम किस दिन होने हैं। तो मतलब कल भी नहीं डेट शीट आई थी, आज जो है सुबह आई है डेट शीट। एंड वैसे ही आज मैंने कॉलेज से छुट्टी मार ली थी, तो वही है ना, सुबह आई थी डेट शीट। तो मैं कर रहा था अभी अपना रचना शरीर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ही छोड़ना, तो मैंने वो पढ़ ली। लेकिन कैन यू इमेजिन जो चीज़ की हमें बस है ना वो थी भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, वही जो है सबसे पहले है, दैट इज संस्कृत जो है सबसे पहले नंबर पर है। 1 अक्टूबर को जो है हमारा संस्कृत का पेपर है और भाई कुछ नहीं पढ़ा है। एंड लाइक देखो हमारा ना अभी जो है सिर्फ 2.5 दिन रह गए, कल का परसों का, ठीक है, और जो है नर्सों जो है यानी कि चौथे जो है हमारा जो है एग्जाम है, तो 2.5 दिन रह गए सिर्फ, है ना। तो अभी शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं। एंड लाइक चलो देखते हैं, कुछ तो शुरू कर रहे हैं अभी। एक्चुअली मैंने सोचा कि यार विभक्तियां करते हैं, तो विभक्तियों में सबसे पहले हम कौन से करते थे, राम करते थे, तो भाई राम कर लेते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा मैंने जो है ये राम के लिखे हैं, इनको याद करते हैं। तो इनको याद एक्चुअली ना पता क्या है, बड़ी आसान है विभक्तियाँ, बस दिक्कत है कि उनको बार बार याद करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बार बार बोलोगे नहीं तो आपको याद नहीं होंगी। तो चलो बोलते हैं, राम रामम रामेन रामाय रामात रामस्य। तो गाइज आज है एग्जाम डे एंड आई एम रेडी, बट यार एक दिक्कत हो गई है इधर देखो, आँख में ना हो गया है अपना गुआंजनी हो गई है यार, तो थोड़ा दिखने में अपना विजन ब्लॉक हो रही है, दिखने में दिक्कत आ रही है। चलो कोई नहीं, देखेंगे, पहले भी मेरे काफ़ी सारी होती रहती हैं यार, तो अब तो हैबिचुअल सा हो गया हूँ। लेकिन यार इसका कोई परमानेंट इलाज हो तो बताना ज़रूर यार इसे, है ना। हम तो इसे ऐसे से गुआंड नहीं कहते हैं, तो मम्मी भी कहती है यार मजाक में कि ना ऐसा कर गुआंडनी का कुंडा खड़काया तो जाके ठीक हो जाऊगा। चलो वो तो बात मजाक की होगी, लेकिन यार देखते हैं आपके क्या कहते हैं, हमें बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि यार इसे क्या कहते हैं, और इसको कोई ठीक करने का इलाज भी बताओ यार, है ना। चलो बाकी देखते हैं एग्ज़ाम। हाँ एग्ज़ाम की बात है कि भाई यार पेपर इज़ लाइक ठीक है ना, पढ़ लिया हमने, तो चलो देखते हैं कि कैसा होता है। तो गाइस अभी तक कोई नहीं आया यार चलो हमारी सीट ये है, बैठते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सो या गाइस दिस वाज अबाउट द एग्जामिनेशन, मेरे पेपर्स की प्रेपरेशन कैसे थी। एंड लाइक ये मेरा जो है स्टडी विद मी वाला जो सीरीज होगी ना, उसका ये फर्स्ट व्लॉग था। आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। मैंने जो है यार लोगों की तरह नहीं दिखाया कि भाई सारा दिन पढ़ते हुए दिखाया है, मैंने ट्राई किया कि आपके साथ बातें की जाए, आपको अच्छा लगे। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो यार जरूर बताना। एंड अबाउट द पेपर्स, पेपर मेरे काफ़ी अच्छे गए। संस्कृत का थोड़ा मुझे लग रहा है डाउट कि यार उसमें थोड़े कम नंबर आएंगे, एंड ऑल्सो कि थोड़ा रचना शरीर में भी मुझे लग रहा है कि थोड़े कम नंबर आए, बाकी क्रिया शरीर का यानी कि फिजियोलॉजी का, हमारा पदार्थ विज्ञान का, एंड संहिता दिन यानी कि अष्टांग दिन और चरक संहिता का बहुत अच्छा गया, है ना। तो लाइक मजा आया पेपर दे के। एंड पेपरों के बीच जो है हमारा एक रामायण पाठ हुआ था हमारे कॉलेज के अंदर 2 दिनों का, जहाँ पर मुझे काफी सारे सीनियर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिला, है ना। एंड लाइक काफी मजा आया, हमने काफी काम किया, उसका जो है व्लॉग में मैंने शूट किया है। एंड लाइक काफी मेरे यार दोस्त है ना कह रहे हैं, एंड सीनियर्स भी कह रहे हैं यार तेरा व्लॉग कब आएगा। एंड इसका जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो रामायण पाठ का ही होगा,
डेफिनेटली यार, एक्चुअली पता क्या है, ये एग्जामिनेशन का ब्लॉग मैंने शूट कर रखा था, मुझे नहीं पता था कि भाई है ना रामायण पार्ट भी होगा, वो थोड़े दिनों बाद पता लगा, तो मैंने शूट कर रखा था, तो इस वीडियो को क्यों ही वेस्ट जाने देना, तो मैंने सोचा पहले इसको एडिट कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं रामायण पार्ट का एडिट करूंगा एंड उसको डालूंगा। डेफिनेटली रामायण पार्ट के मेरे दो व्लॉग्स होंगे एंड वन मोर थिंग, जो हमारी कॉलेज की पार्टी हुई थी है ना, कॉलेज पार्टी थी तो वो भी अटेंड की है ना। चलता रहता है यार, अब जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार एग्जामिनेशन भी चलती रहती है ना, पार्टीज भी चलती रहती हैं, सब चलता रहता है, आपको जो है मैनेज करना पड़ता है एंड लाइक काफी अच्छे से जो है हमने मजे किए। एंड अगर आपको ये पसंद आया यार ब्लॉग तो मुझे जरूर बताना है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, इस बार जो मैंने कुछ नया ट्राई किया है, अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो यार जरूर बताना है ना। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए जरूर वेट करना है ना, एंड तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ठेका। एंड यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है ना, अपने दोस्तों को शेयर करना, आपको जो है काफी अच्छा लगेगा, आपको अपनी प्रेपरेशन टाइम्स की जो है यादें थोड़ी ताजा हो जाएंगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।